यानी कि अब तक हमें डिस्प्ले पर 3 थीम देखने को मिलती थी, अब हमें 3 से ज्यादा यानी कि 6 से 7 थीम देखने मिल सकती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट होगी, जो अगेन स्कूटर को खास बना देगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डीप बैटरी हेल्थ, जो स्कूटर की जो बैटरी है उसके बारे में आपको सब कुछ अब स्क्रीन पर ही पता चल जाएगा, यानी कि आप अपनी बैटरी, अपनी वारंटी कितनी है, इसके बाद में इसमें कोई इशू है क्या या कितने टाइम के बाद में आपको बदलने की जरूरत पड़ सकती है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर ही इंडिकेट कर दिया जाएगा। तो उसी के साथ अगर हम देखेगा तो नेक्स्ट जो है कंट्रोल रीजन मैनुअली। नेक्स्ट यहाँ पर रीजन ब्रेकिंग का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो अब आप ओला स्कूटर में रीजन ब्रेकिंग को मैनुअली कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि रीजन ब्रेकिंग को आप ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कर सकोगे, कम चाहिए तो आप कम भी कर सकोगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसी के साथ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो डिस्पैड सेंसिंग। नेक्स्ट जो यहाँ पर डिस्पैड है, जो कि ओला स्कूटर में हमने काफी ज्यादा देखा है कि जो डिस्पैड है वो घिस जाते हैं और लोग फिर अपना स्कूटर चलाते ही फिरते हैं, जिस वजह से डिस्पैड जो है वो काफी जल्दी खराब हो जाते हैं, इसकी शिकायत हमारे सामने आती रहती है। अपनी कंपनी ने अब क्या किया गाइस, इसका जो डिस्क है उसके अंदर एक सेंसर लगाया, जो कि कंपनी ने इसे कैसे मैनेज किया ये तो नहीं पता, बट आपको इसका भी पता चलता रहेगा कि आपका जो डिस्पैड है वो खराब हो रहा है या नहीं। ओके।